नर्मदे हर मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं श्याम केवड़, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस श्रावण महीने में आप सभी शिव भक्तों का अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इतना सहयोग किया। और अब मैं आपको माँ नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाऊँगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको घर में रखने वाले शिवलिंग से लगाकर मंदिर में रखने वाले शिवलिंग, सभी प्रकार के शिवलिंग दिखाऊंगा। इनमें भी जैसे कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग 1 इंच से लगा करके 6 इंच तक का रखा जाता है, तो 1 इंच जो होता है वह बहुत छोटा साइज होता है, तो सामान्यतः 2 इंच से प्रारंभ होता है। तो 2 इंच से लगा करके 6 इंच तक के नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखे जाते हैं। अब 2 इंच होता है अंगूठे आकार का, अंगुष्ठ आकार। 2 इंच जो शिवलिंग होता है तो आगामा शास्त्र के अनुसार शिवलिंग के आकार से 2 गुने आकार की जलाधारी होनी चाहिए। अगर आपका शिवलिंग 2 इंच का है तो उसकी जलाधारी 4 इंच की होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपका शिवलिंग 3 इंच का है तो उसकी जलाधारी 6 इंच की होनी चाहिए। और अगर आपका शिवलिंग 6 इंच का है तो उसकी जलाधारी 12 इंच की होनी चाहिए। तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 इंच के शिवलिंग, 3 इंच के शिवलिंग, 4 इंच के शिवलिंग, 5 इंच के और 6 इंच के सभी प्रकार के शिवलिंग और जलाधारी देखने को मिलेंगे। इन जलाधारियों में भी 2 प्रकार हैं। एक जलाधारी जो सतह से उठी हुई है, इन्हें डमरू आकार की जलाधारी कहते हैं। और दूसरी जो जमीन से सतह से चिपकी हुई है, इन्हें प्लेट आकार की जलाधारी कहते हैं। अब डमरू आकार की जलाधारी में क्या होता है कि अगर आप शिवलिंग को जल चढ़ाते हो, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार की जो जलाधारी है इसमें अगर आप जल चढ़ाते हो तो जब जल चढ़ाओगे तो जलाधारी के सामने आप एक प्लेट रख कर जो भी भगवान शिव को चढ़ाया गया जल है वो आप एक पात्र में इकट्ठा कर सकते हो। और प्लेट वाली जलाधारी में क्या होता है कि आपको जो जलाधारी और शिवलिंग है दोनों को एक प्लेट में रखकर पूजा करनी होती है। दोनों की अलग अलग विशेषताएँ होती है। और सामान्यतः नर्मदेश्वर शिवलिंग 9 प्रकार के होते हैं। कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय, स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर और त्रिलोचन। तो कालाग्नि शिवलिंग में उलझे हुए बालों की आकृति बनी होती है। महाकाल शिवलिंग, जिस शिवलिंग में तिलक या बिंदु की आकृति हो उसे महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अर्धनारेश्वर, आधा भाग शिव जी का, आधा भाग पार्वती जी का, वह शिवलिंग जो आधा लाल होता है आधा सफ़ेद होता है, जो शिव और पार्वती दोनों को प्रदर्शित करता है, उसे अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। और गृहस्थ जीवन के लिए सबसे उत्तम अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग माना गया है। स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग पूर्णतः शहद के रंग का होता है। और नीलकंठ शिवलिंग सफ़ेद रंग का होता है और काले धब्बे बने हुए होते हैं। महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसमें शहद के रंग की 2 मालाएं बनी हुई होती है। ईशान नर्मदेश्वर शिवलिंग, यह क्रिस्टल के जैसे चमकने वाला होता है। इसके पश्चात आप जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1 इंच से लगा करके मंदिरों में रखने वाले सभी प्रकार के शिवलिंग उपलब्ध हैं। आप इस शिवलिंग को देख सकते हो, इस शिवलिंग पे देखिए किस प्रकार से माँ नर्मदा से प्राप्त यह अलौकिक आकृतियाँ बनी हुई होती है। और बहुत सारे लोगों के मन में नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेके अलग अलग की धारणाएं या विचारधाराएं होती है कि कुछ लोगों को लगता है कि नर्मदा इसे सीधे रूप से प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यह लाते हैं और फिर इनको गोल किया जाता है। तो वास्तव में मैं आज आपको सत्यता बताता हूँ कि जब हम नर्मदा जी पर शिवलिंग लेने के लिए जाते हैं तो आज से कम जब ये नर्मदा जी पर बांधों का निर्माण नहीं हुआ था तब नर्मदा जी का जो पानी था, जहाँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है अमरकंठ, तो नर्मदा जी जहाँ अमरकंठ से बहती आती थी तो रास्ते में कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं आती थी। नर्मदा जी का पानी सतत प्रवाहित होता था, तो पानी जो जल होता था नर्मदा जी का प्रवाहित होता था, उसके साथ साथ पत्थर भी प्रवाहित होते जाते थे और वो पत्थर आपस में टकरा करके गोल होते जाते थे और शिवलिंग का रूप धारण करते थे। परंतु वर्तमान में बांधों के निर्मित हो जाने की वजह से वह जो पानी का जो प्रवाह है वह रुक गया है, जिसकी वजह से जो पत्थरों का टकराव होना था वह रुक गया है। तो उस वजह से अब वर्तमान में जो शिवलिंग जो पत्थर होते हैं वो शिवलिंग की आकृति धारण नहीं कर पाते हैं। तो हम जब नर्मदा जी पर जाते हैं तो वहाँ पर नर्मदा जी में बहुत सारे पत्थर रहते हैं और अब जब उनको लेके आते हैं तो उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कोई खुरदुरा रहता है, किसी में छेद होते हैं। इस प्रकार के बहुत अलग अलग
आकृतियों वाले रहते हैं, तो उन शिवलिंगों को हम तराशते हैं, उनको गोल करते हैं, परंतु हमारा काम सिर्फ गोल करने का होता है। जैसे कि इसके ऊपर यह जो रंग है, जो यह आकृति है, यह पूर्णतः प्राकृतिक है। माँ नर्मदा से जो भी शिवलिंग प्राप्त होते हैं उनके ऊपर जो भी रंग है, जो भी आकृति होती है, वह पूर्णतः प्राकृतिक होती है। उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। हमारा काम सिर्फ या हमारा कार्य सिर्फ इतना होता है कि हम उस पत्थरों को, जो लाए गए पत्थर है जो माँ नर्मदा जिसे हम शिवलिंग बनाने के लिए लाते हैं, हम उनको गोल करते हैं, तराशते हैं। अब यह शिवलिंग जो आप देख रहे हो, यह हमारे द्वारा तराशा गया शिवलिंग है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई साहब, इस शिवलिंग पर इतनी चमक कैसे आती है? तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि शिवलिंग पर चमक सिर्फ पानी की वजह से आती है। इस शिवलिंग के ऊपर ना तो कोई केमिकल लगाया जाता है, ना ही कुछ भी लगाया जाता है। न जाने कितने वर्षों से नर्मदा जी के जो शिवलिंग होते हैं, पत्थर होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, और जब इनको पानी के बाहर निकाला जाता है तो उनका जो जल सूखता है, तो वो उनकी चमक खत्म होती है। और जब इनके ऊपर जल डाला जाता है वापस शिवलिंग के ऊपर, तो यह कांच के जैसे चमकने लगते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ मतलब एक ही है कि नर्मदा जी का जो शिवलिंग है वह जल की वजह से चमकता है, इनके ऊपर दूसरा किसी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। आप देखिए, जैसे कि आपको मैं एक सूखा शिवलिंग दिखाता हूँ और उसके ऊपर फिर पानी डाल के दिखाता हूँ कि उसमें किस प्रकार से फर्क आता है। देखिए, मैं दिखाता हूँ, यह देखिए। तो यह जो शिवलिंग है, यह हमारे द्वारा तराशा गया शिवलिंग है, लेकिन अब इसके ऊपर कोई भी चमक नहीं है, एकदम आप देख सकते हो किस प्रकार से दिख रहा है। अब इसके ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो यह देखिए, अब आप देख सकते हो कि जल चढ़ाने के बाद इसके ऊपर कितनी चमक बढ़ चुकी है। तो माँ नर्मदा के जो शिवलिंग होते हैं उन पर मात्र और मात्र जल चढ़ाने से ही चमक आती है, बाकी किसी प्रकार का कुछ भी कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाता। और आपने मंदिरों में देखे होंगे, तो मंदिरों में बहुत सारे शिवलिंग चमकते हैं। तो जैसे कि अगर आप घर में या मंदिरों में शिवलिंग रखते हो, तो नियमित रूप से या फिर जब भी आपका मन हो, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद पंचामृत के द्वारा पूजा की जाती है। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सभी पदार्थ जो होते हैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो ये जब चढ़ाए जाते हैं तो इनसे शिवलिंग की चमक बढ़ती है, इनसे शिवलिंग का तेज बढ़ता है, ना कि किसी प्रकार का केमिकल यूज़ करने से शिवलिंग की चमक बढ़ेगी। क्योंकि केमिकल एक समय के बाद तो कभी ना कभी तो खराब होगा ही, उसकी चमक वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन ये नर्मदा जी के जो शिवलिंग होते हैं, इन पर जितना जल चढ़ाओगे इनकी चमक उतनी बढ़ती है। देखिए, यह 2 इंच का नर्मदेश्वर शिवलिंग है। यह पूर्णतः शहद के रंग का है। इसे स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। और इसकी जो जलाधारी है, यह आकार में 2 गुनी है, अर्थात यह 2 इंच का शिवलिंग और शास्त्र के मुताबिक 4 इंच की जलाधारी। इसे स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यह क्रिस्टल के जैसे चमकने वाला ईशान नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हो इसका आकार 5 इंच का है और इसकी जो जलाधारी है यह 10 इंच की है। और जलाधारी का जो निर्माण है वह भी माँ नर्मदा के पत्थर के द्वारा किया गया है। इसके बाद में मैं आपको अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाता हूँ। यह देखिए, जो शिवलिंग बीच में से 2 अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, उसे अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इसमें एक भाग शिव जी का और एक भाग पार्वती जी का। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो गृहस्थ जीवन होते हैं, वैवाहिक जीवन होते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम अर्धनारेश्वर शिवलिंग की पूजा करने को माना गया है। इसके बाद यह महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिस शिवलिंग के ऊपर बिंदु या तिलक की आकृति होती है, उसे महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि भगवान शिव के मस्तक पर जिस प्रकार से तिलक बना हुआ होता है, उसी प्रकार से इस शिवलिंग के ऊपर भी पूर्ण प्राकृतिक तिलक या त्रिपुंड जिसे कहते हैं बना हुआ है। अब मैं आपको जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाता हूँ। देखिए किस प्रकार से इस शिवलिंग में मालाएं बनी हुई है। जो शिवलिंग में दोनों तरफ से देखने पर मालाएं बनी हुई होती है, जो जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनमें दोनों प्रकार से आपको देखने पर मालाएं बनी हुई दिखेगी। इस प्रकार से हमारे पास बहुत ही सुंदर सुंदर शिवलिंग का भंडार है। देखिए इस शिवलिंग के ऊपर यह किस प्रकार से पूर्ण प्राकृतिक त्रिपुंड की आकृति बनी हुई है। यह आकृतियाँ पूर्णतः प्राकृतिक होती है और इनका रंग जो होता है पूर्णतः प्राकृतिक होता है।
मित्रों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इतनी लंबाई के बीच में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त होते हैं वह हमारे गांव ग्राम बकावा पोस्ट मर्दाना तहसील बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर वास्तव में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहीं से नर्मदा जी से पत्थरों को लाकर तराशा जाता है और यह पूरे भारत में जो बकाव में मिलते हैं इसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग ले जाकर फिर दूसरी जगहों पर दिल्ली मुंबई जयपुर में रिसेल करते हैं, परंतु जो जिनका उद्गम स्थान है नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो उद्गम स्थान है वह यही है। सिर्फ बकावा में ही आपको शुद्धतम 100% गारंटी के साथ में ओरिजिनल नर्मदेश्वर मिलेंगे। ओरिजिनल शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो आपको नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप बिना हिचकिचाहट के फ़ोन कर सकते हो, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, तो यह जो शिवलिंग है यह हमारे द्वारा तराशा गया शिवलिंग है और यह जो शिवलिंग है यह पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग है। अब इन दोनों शिवलिंगों में आप देख सकते हो कि यह जो तराशा गया है तो इसकी जो चमक है या इसका जो चिकनापन है वह थोड़ा ज़्यादा है और यह जो पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग है तो इसका जो आप चिकनापन है थोड़ा कम है, हल्का या खुरदुरा है। और आप इसका आकार में भी देख सकते हो पूर्णतः गोल नहीं है परंतु लगभग यह 70% तक गोल है। तो यह बहुत मुश्किल से हमें मिला एक, वास्तव में नर्मदा जी से प्राप्त होने वाले हर शिवलिंग इस प्रकार इतने गोल नहीं होते हैं। यह इस प्रकार से जो मिलते हैं वह भी बहुत दुर्लभ होते हैं कि हमें प्राकृतिक रूप से इतना गोल मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से यह पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग है। यह 10 इंच का 10 से 11 इंच का शिवलिंग है और यह मंदिरों में रखने के लिए उत्तम है, क्योंकि अगर किसी को पूर्ण प्राकृतिक नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए होता है तो वह संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि भारत में नर्मदेश्वर शिवलिंग का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा विश्व में अनेक नदियाँ बहती है, भारत में भी अनेक नदियाँ बहती है और सारी नदियों के अंदर पत्थर होते हैं, परंतु माँ नर्मदा जी के शिवलिंगों के ऊपर ही शिव जी के चिन्ह क्यों भरते हैं, क्योंकि यह भगवान शिव के द्वारा माँ नर्मदा को दिए गए वरदान का परिणाम है। वास्तव में माँ नर्मदा जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि तुम्हारे हर कंकर में शंकर का निवास होगा और माँ नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है, इसीलिए माँ नर्मदा जी के शिवलिंगों के ऊपर ओम, त्रिशूल, नाग, सर्प, मालाएं, तिलक, बिंदु, इस प्रकार की जो भी भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह हैं वह पूर्ण प्राकृतिक रूप से उभरते हैं। और यही जो तथ्य है वह सिद्ध करते हैं कि माँ नर्मदा जो है शिव की पुत्री है और माँ नर्मदा जी को भगवान शिव के द्वारा वरदान दिया गया है, क्योंकि विश्व में बहुत सारी नदियाँ हैं, भारत में भी बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारी नदियों के अंदर बहुत सारे पत्थर बहते हैं, परंतु विश्व की किसी भी अन्य नदी के ऊपर भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह उनके पत्थरों पर नहीं उभरते हैं। वो इसीलिए भारत में नर्मदेश्वर शिवलिंग का इतना महत्व है, क्योंकि इनको भगवान शिव का स्वयं दूसरा रूप माना गया है और यह हिंदू धर्म के लिए भी बहुत मतलब एक प्रेरणादायक है। जो वास्तव है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे धर्म में शिव पुराण, नर्मदा पुराण बहुत है, उनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा तब जाके आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बोलने लगूँगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। और अगर आपको मतलब किसी भी प्रकार का घर में शिवलिंग रखना हो, मंदिर में शिवलिंग रखना हो, किसी भी प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो आपको हमारा संपर्क नंबर उपलब्ध है, आप देख सकते हो, संपर्क नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आप पूछोगे हम देने के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। और अगर आपको घर में शिवलिंग रखना हो, मंदिर में शिवलिंग रखना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार के शिवलिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ से पत्थर लाते हैं, किस प्रकार से उन्हें तराशते हैं, तो आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हो, आप हमें वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। और यह भगवान का काम होता है, भगवान का काम विश्वास से होता है, इसमें आस्था का बड़ा महत्व होता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे, हम भी आपका सहयोग करेंगे, इसी प्रकार आपका और हमारा प्यार बना रहिए जिस प्रकार से आप हमें प्यार देते आए हैं।
धन्यवाद मित्रों, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी ऐसे नर्मदेश्वर और शिवलिंग के वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आप इस प्रकार से शिवलिंग देख सकते हो और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने अन्य मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, नर्मदेहर।